हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाइन एडुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था उन सर्विसेज के बारे में जो रिटेलर के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं मैन्युफैक्चरर्स को और होलसेलर्स को। नंबर ऑफ सर्विसेज के बारे में हम लोगों ने देखा था। फॉर एग्जांपल कुछ रिकॉल कर लेते हैं, हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। मैन्युफैक्चरर जो है गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है, गुड्स को बनाता है और आफ्टर दैट वो होलसेलर को सप्लाई करता है, लेकिन फाइनल कंजम्पशन के लिए कस्टमर तक प्रोडक्ट को रीच करवाने के लिए या उन तक कंज्यूम करवाने के लिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है रिटेलर्स। अगर रिटेलर डिस्ट्रीब्यूशन चेन में अवेलेबल नहीं होगा तो उन एरियाज़ में जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स रहते हैं उन तक वो प्रोडक्ट कैसे रीच कर पाएगा? तो विद द हेल्प ऑफ रिटेलर्स, रिटेलर्स की मदद से। तो मैन्युफैक्चरर ने जो गुड्स को प्रोड्यूस किया है उस गुड्स को फाइनल कंजम्पशन तक रीच करवाने के लिए रिटेलर जो है वो अपना एफर्ट लगाता है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है, कस्टमर के माइंड में उन प्रोडक्ट के बारे में बताता है या उनके माइंड को उन प्रोडक्ट की ओर अट्रैक्ट करता है ताकि जो प्रोडक्ट है वो सेल आउट हो जाए और जो मैन्युफैक्चरर का पर्पस है वो पर्पस भी पूरा हो जाए। तो अगर मैन्युफैक्चरर ने गुड्स को प्रोड्यूस किया है केवल वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए तो नहीं कर रहा है, गुड्स को फाइनल कंजम्पशन तक पहुंचाना है, दैट इज़ कस्टमर तक पहुंचाना है, तो पहुंचाने के लिए एक चेन है, उस चेन को रिटेलर जो है वो पूरा करता है और गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है वो नंबर ऑफ कंज्यूमर तक। क्योंकि मैन्युफैक्चरर का काम है केवल गुड्स को प्रोड्यूस करना, गुड्स को बनाना, उसका काम ये नहीं है कि वो एक एक कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करे या एक एक कस्टमर के पास जा कर के अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करे, वो काम है रिटेलर्स का। देन आफ्टर हम लोगों ने बात किया था पर्सनल सेलिंग के बारे में। पर्सनल सेलिंग में रिटेलर क्या करता है, पर्सनल एफर्ट लगाता है, पर्सनल कॉन्टैक्ट वो इस्टेब्लिश करता है, एक अच्छे बिहेवियर, एक अच्छे एटिकेट के साथ वो नंबर ऑफ कंज्यूमर से कम्युनिकेट करता है, उस प्रोडक्ट के बारे में वो बताता है जो कंपनी के द्वारा या मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो आप देखोगे कि नंबर ऑफ ब्रांडेड प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन रिटेलर उन्हीं प्रोडक्ट को सेल आउट करता है जो उसे कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है या जिस प्रोडक्ट में वो अच्छी क्वालिटी को देखता है, तो वो कस्टमर को पर्सनली इन्फॉर्म करता है अबाउट द प्रोडक्ट और वो पूरी मेहनत करता है, पर्सनल एफर्ट लगाता है या हम कह सकते हैं डोर टू डोर विजिट करके, या रिटेलर का जो शॉप होता है वो रेसिडेंशियल एरिया में होता है जहाँ पर नंबर ऑफ कंज्यूमर होते हैं, तो उन एरियाज़ में वो अपने स्टोर को इस्टेब्लिश करता है और वो पर्सनली हर एक कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिसके तहत जो प्रोडक्ट है वो सेल हो पाए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रिटेलर कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है, इनेबल्स लार्ज स्केल ऑपरेशन। ओके, ये एक सर्विस प्रोवाइड करता है जिसके तहत मैन्युफैक्चरर जो है वो बड़े पैमाने पर गुड्स का प्रोडक्शन कर सकता है। नंबर ऑफ रिटेलर्स डिफरेंट डिफरेंट लोकेलिटी में, डिफरेंट डिफरेंट एरिया में अपने स्टोर्स को रन कर रहे होते हैं, जिस एरिया में उनका शॉप रन हो रहा है वो उस एरिया के डिमांड को लेकर के होलसेलर के पास आते हैं। तो रिटेलर जो है वो नंबर ऑफ एरियाज को कवर करते हैं, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स को कवर करते हैं, तो यहाँ पर जब वो ऑर्डर देंगे या ऑर्डर प्लेस करेंगे होलसेलर के पास जा कर के, तो होलसेलर जब उन्हें टोटल करेगा फिर वो टोटल जितना डिमांड बनेगा वो मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा। फिर मैन्युफैक्चरर जो है वो किसी एक एरिया के लिए तो प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, वो पूरे उस मार्केट के लिए प्रोडक्शन कर रहा है जो उसका टारगेट मार्केट है। तो रिटेलर हेल्प करता है बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन कराने के लिए। मैन्युफैक्चरर जो है वो बड़े पैमाने पर या लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर पाए जिससे जो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो सकता है, बिजनेस
जिसका अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो प्रॉफिट अर्निंग जो है वो मैक्सिमम होगा, यानी हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे जब हमारा लागत जो है वो कम से कम लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने देखा था कलेक्टिंग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। देखना है कि जब रिटेलर्स मार्केट में अवेलेबल होता है तो वो मार्केट के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, गैदर करता है। मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज के द्वारा प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाता है, या लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज के द्वारा जब प्रोडक्ट मार्केट में सप्लाई होता है तो कंपटीशन जो है वो हाई लेवल पर होता है। अब एक कंपनी जो है वो मार्केट में अपना प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है, साथ में बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो सेम प्रोडक्ट बना रही हैं, लेकिन जो ब्रांड है वो अलग है, क्वालिटी भी थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर मार्केट इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो डिफरेंट कंपनी के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है वो रिटेलर के द्वारा होलसेलर और होलसेलर के थ्रू मैन्युफैक्चरर के पास इन्फॉर्मेशन सप्लाई हो रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे समझने का है कि यहाँ पर अगर हम मार्केट इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो किंग ऑफ द मार्केट कौन है, तो कस्टमर है, कंज्यूमर्स हैं। तो कंज्यूमर के टेस्ट के बारे में, कंज्यूमर के प्रिफ्रेंस के बारे में, कंज्यूमर के लाइक्स के बारे में, इन तीनों चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रिटेलर्स, किसे, होलसेलर को, और वो होलसेलर जो है इंफॉर्मेशन पास आउट करेगा मैन्युफैक्चरर्स को, क्योंकि एट द एंड प्रोड्यूस किसे करना है, मैन्युफैक्चरर को प्रोड्यूस करना है। ओके, देन आफ्टर लास्ट पॉइंट हम लोगों ने देखा था हेल्प इन प्रमोशन, गुड्स को प्रमोट करने में वो हेल्प करता है। अब मैन्युफैक्चरर ने गुड्स को प्रोड्यूस कर दिया और उसने अपने वेयर हाउस में स्टोर कर दिया, एंड आफ्टर दैट जब वहाँ से होलसेलर के पास आया तो होलसेलर ने अपने वेयर हाउस में स्टोर कर दिया। जब होलसेलर के पास नंबर ऑफ रिटेलर्स जाते हैं फिर वो उन्हें एक नए प्रोडक्ट के बारे में बताता है होलसेलर की, ये इस कंपनी ने ये नया प्रोडक्ट बनाया है, फिर वो जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन सप्लाई होगा किसके पास, नंबर ऑफ कंज्यूमर के पास, यानी नंबर ऑफ कंज्यूमर जो हैं उस इंफॉर्मेशन के थ्रू उस प्रोडक्ट को परचेस करेंगे जो रिटेलर के द्वारा उनको बताया जाएगा। रिटेलर्स जो हैं वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं नंबर ऑफ कंज्यूमर के साथ, वो जब डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं एक अच्छे बिहेवियर के साथ, एक अच्छे एटिकेट के साथ, तो कंज्यूमर जो है उनकी बात मानते हैं। नंबर ऑफ रिटेलर जिस डिफरेंट डिफरेंट एरिया में लोकेटेड हैं, फॉर एग्जांपल कोई रेसिडेंशियल एरिया में अपने शॉप को रन कर रहा है तो उस एरिया में जितने भी कंज्यूमर होंगे वो एक रिटेलर से कांटेक्ट में होंगे, और वो जो रिटेलर का बिहेवियर अगर अच्छा होगा, वो अपने कंज्यूमर के साथ अच्छे से ट्रीट करता होगा, तो डेफिनेटली जब मैन्युफैक्चरर के द्वारा कोई नया प्रोडक्ट बनाया जाएगा, जब उसका इन्फॉर्मेशन होलसेलर के थ्रू रिटेलर तक रीच करेगा, तो रिटेलर यही प्रयास करेगा कि कैसे मैं इस प्रोडक्ट को नंबर ऑफ कंज्यूमर को सेल आउट कर दूँ, या इस प्रोडक्ट को नंबर ऑफ कंज्यूमर परचेज कर ले। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेलर्स जो रिटेलर के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। इस वीडियो में भी हम सर्विसेज को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन वो सर्विसेज जो रिटेलर्स के द्वारा कंज्यूमर्स को प्रोवाइड की जाती हैं। जिस प्रकार हम लोगों ने देखा था कि रिटेलर जो है वो कैसे मैन्युफैक्चरर्स को और होलसेलर को सर्विस प्रोवाइड करता है, उसी प्रकार वो अपने कंज्यूमर्स यानी जो उसके कस्टमर्स हैं उन्हें भी वो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो लेट्स सी कि कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो वो अपने कंज्यूमर को सप्लाई करता है। नंबर वन, रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स। रिटेलर जो है वो ये प्रयास करता है कि कैसे मैं अपने कस्टमर्स को रेगुलरली वो प्रोडक्ट अवेलेबल करवाऊं जो उनके द्वारा डिमांड किया गया है या जो उनका नीड्स है। अगर एक रिटेलर अपने कंज्यूमर के नेसेसिटी को पूरा नहीं कर पा रहा है, या जिस रेसिडेंशियल एरिया में वो अपने स्टोर को रन कर रहा है और वहाँ पर जितने कंज्यूमर्स अवेलेबल हैं या कस्टमर्स अवेलेबल हैं वो उनके रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहा है टाइम पर, तो कंज्यूमर जो है वो डेफिनेटली उस स्टोर पर दोबारा विजिट नहीं करेंगे, वो दूसरे स्टोर में जाएंगे जहाँ पर
कम से कम समय में उनके मैक्सिमम डिमांड को पूरा किया जा सके, या जो उनका नीड्स है उन नीड्स को वो वहाँ पर पूरा कर सकते हैं। ओके, द रिटेलर्स मेंटेन एडुकेट सप्लाई ऑफ गुड्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स के द्वारा जिन चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है तो रिटेलर जो है वो मेंटेन करता है कि कैसे हम उन प्रोडक्ट को अपने ही स्टोर में अवेलेबल करवाएं, या उसके स्टोर में हमेशा वो प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए जो उस पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले कंज्यूमर्स के द्वारा हमेशा डिमांड किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बात करते हैं कि अगर ये एरिया ए है और ये एक रेसिडेंशियल एरिया है, और इस रेसिडेंशियल एरिया में किसी एक प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो हर कस्टमर के द्वारा होता है, यानी जितने कस्टमर्स इस एरिया में रह रहे हैं वो इस पर्टिकुलर एक्स प्रोडक्ट को हमेशा डिमांड करते हैं, तो प्रोडक्ट एक्स जो है वो हमेशा इस एरिया में अवेलेबल होना चाहिए। ये ध्यान देना किसका काम होगा, तो रिटेलर को होगा। तो रिटेलर ये चाहता है कि मैं अपने मैक्सिमम कस्टमर्स की डिमांड की पूर्ति एट अ टाइम कर पाऊँ, तो ये हमेशा कोशिश करता है कि रिटेलर कभी भी हमारे कस्टमर्स को तकलीफ़ नहीं हो, या उन्हें ऐसा ना लगे कि हमारे स्टोर में उनके द्वारा जो प्रोडक्ट डिमांड किया गया है वो समय पर उपलब्ध नहीं है, या उन्हें कोई प्रॉब्लम को फेस करना पड़े, डिफ़िकल्टी को फेस करना पड़े। तो इन सारी चीज़ों से रिटेलर जो है वो कंज्यूमर को सेव करता है, टाइम पर उनके रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, और वो ये भी इंश्योर करता है कि जो होलसेलर है वो हमेशा उसे गुड्स टाइम पर सप्लाई करे, या होलसेलर के पास हमेशा वो प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए। मान लेते हैं कि यहाँ पर डिमांड होता है हमेशा 50 प्रोडक्ट का, सेम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो 50 प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट एक्स है वो 50 का ही डिमांड होता है, लेकिन कभी कभी कस्टमर जो हैं वो मोर देन 50 डिमांड कर सकते हैं। तो जब अगर एक और डिमांड बढ़ गया तो ये डायरेक्टली या तो होलसेलर के पास जाएगा या अपने पास ही एक्स्ट्रा मंगा करके रखेगा कि जब भी 50 से ज़्यादा डिमांड किया जाए तो वो पर्टिकुलर रिटेलर जो है वो उस डिमांड की पूर्ति उसी समय कर ले। ऑफ द कंज्यूमर सो नीडेड कमोडिटीज आर अवेलेबल टू कंज्यूमर रेगुलरली। ओके, तो जो कंज्यूमर की नीड्स है या जो ज़रूरतें हैं उनको हमेशा टाइम पर या रेगुलर हम उसे मेंटेन कर पाए या सप्लाई कर पाए, ये रिटेलर ध्यान रखता है। अगर रिटेलर इस चीज़ पर फोकस नहीं करेगा तो हो सकता है कि वो अपना शॉप बहुत अच्छे से रन नहीं करा पाए, क्योंकि अगर एक रेसिडेंशियल एरिया में क्या एक ही रिटेलर का शॉप होगा? नहीं, बहुत सारे रिटेलर्स होंगे जो उस पर्टिकुलर एरिया में चल रहे होंगे, लेकिन हम लोग एक रिटेलर की बात करते हैं। अगर एक रिटेलर अपने एक एरिया को सप्लाई नहीं कर पा रहा है, या प्रोडक्ट या जो वहाँ का नीड्स है उस नीड्स या रिक्वायरमेंट को वो समय पर पूरा नहीं कर पा रहा है, तो कंज्यूमर कभी भी वेट नहीं करेगा। जब कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को लेने के लिए अपना पैसा खर्च करता है, वो हमेशा ये इंश्योर करता है कि जितना मैं खर्च कर रहा हूँ उतना मुझे सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, वो प्रोडक्ट हमें हमेशा टाइम पर अवेलेबल होना चाहिए। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, किसी के लिए भी अगर आप बात करोगे तो वो टाइम को ही इम्पोर्टेंस देगा, तो कंज्यूमर भी टाइम को ही इम्पोर्टेंस देगा। वो अगर किसी एक प्रोडक्ट के लिए लाइन में खड़ा हो रहा है तो उसके बाकी सारे काम वो पेंडिंग हो जा रहे हैं, तो वो एक प्रोडक्ट के लिए अपना टाइम तो वेस्ट नहीं करेगा। और जो रिटेलर है वो भी ये जानता है कि अगर हमें मार्केट में एग्जिस्ट करना है, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स अगर हमारे सामने हैं तो हमें उनसे आगे निकलना है, क्योंकि कंज्यूमर हमेशा वही दुकान में विजिट करेगा, वही शॉप में जाएगा जहाँ पर उसे सही प्रोडक्ट अवेलेबल हो पाए विथ रीजनेबल रेट, गुड क्वालिटी। नंबर ऑफ फीचर्स है जो हम एक प्रोडक्ट में बता सकते हैं, तो कंज्यूमर हमेशा इन सारी चीज़ों को देखता है, और रिटेलर इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके वो प्रोडक्ट हमेशा अवेलेबल करवाता है उस एरिया में जहाँ पर वो अपने स्टोर को रन कर रहा है। उस एरिया में जितने कंज्यूमर हैं उनके रिक्वायरमेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट्स एक जो बेसिक नीड होता है वो तो सबका सेम होता है,
तो बेसिक नीड के प्रोडक्ट को हमेशा अवेलेबल करवाना, उसके बाद जितने प्रोडक्ट आते हैं उनमें अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, कभी ज़्यादा सेल आउट होगा तो कभी कम सेल आउट होगा, लेकिन एक एग्रीगेट हम लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं कि हमेशा इस मार्केट में या इस पर्टिकुलर एरिया में इतना सेल होता है, उसी के हिसाब से वो रिटेलर जो है वो अपने स्टोर में वो प्रोडक्ट अवेलेबल करेगा ताकि कस्टमर्स को दिक्कत ना हो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज़। रिटेलर जो है वो अपने कंज्यूमर्स को, जो उसके कस्टमर्स हैं, उन्हें वो क्रेडिट फैसिलिटी उपलब्ध कराता, यानी उधार पर देता है। प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू रेगुलर कस्टमर्स बायर। अगर आप देखोगे कि जितने भी रिटेलर्स हैं वो हर किसी को क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देते हैं, वो उनको ही क्रेडिट फैसिलिटी दे देते हैं जो उसके शॉप में रेगुलर विजिट करते हैं। ओके, तो रेगुलर विजिट करेंगे तभी उनको क्या मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा। तो क्रेडिट फैसिलिटी उसे ही देगा रिटेलर जो उसके शॉप में रेगुलर विजिट कर रहा होगा, जो उसका रेगुलर कस्टमर होगा। कोई भी रिटेलर किसी भी नए कस्टमर को या नए व्यक्ति को क्रेडिट पर कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं करवाता है। इससे क्या होगा कि अगर उसने नए कस्टमर को क्रेडिट देना स्टार्ट कर दिया तो हो सकता है कि वो कस्टमर दोबारा फिर विजिट ना करे, एक से दो बार उसने क्रेडिट दिया और तीसरी बार वो उस एरिया में ही अवेलेबल ना हो, तो इससे क्या होगा कि रिटेलर का लॉस हो जाएगा। तो रिटेलर लॉस से बचने के लिए और अपने सेल को इनक्रीज करने के लिए वो क्रेडिट ज़रूर देता है, लेकिन उन कस्टमर्स को जो उस पर्टिकुलर रेसिडेंशियल एरिया में रह रहे हैं, उनका घर है, वो लंबे समय से उस पर्टिकुलर दुकान में या शॉप में विजिट करते हैं, तो रिटेलर ये चाहता है कि मैं अपने इस कस्टमर को कहीं खो ना दूं या ये कस्टमर किसी और रिटेलर के पास ना चला जाए। तो कभी कभी कस्टमर के पास अगर पैसा उपलब्ध नहीं होगा या उसे टाइम पर सैलरी नहीं मिला है तो पैसा नहीं है, तो उस समय रिटेलर क्या करता है, क्रेडिट फैसिलिटी देता है। ऐसा नहीं है कि जब पैसा नहीं रहेगा तभी क्रेडिट फैसिलिटी देगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो रिटेलर के शॉप में उधार पर प्रोडक्ट ले जाते हैं, क्रेडिट पर प्रोडक्ट ले जाते हैं और आफ्टर 1 मंथ वो आकर के पूरा का पूरा पेमेंट कर देते हैं, तो ये भी एक तरीका होता है। लेकिन ये जो फैसिलिटी है वो किसे मिलेगा, जो उसके शॉप में रेगुलर होगा, जो उसका रेगुलर बायर्स होंगे। ऐसा तो है नहीं कि आज फर्स्ट टाइम आया और कल से उसे क्रेडिट फैसिलिटी मिलने लगा, फिर ऐसे जितने पुराने बायर्स होंगे वो थोड़ा सा नाराज़ हो जाएंगे क्योंकि ये तो आज आया है, हम तो कितने दिन से रह रहे हैं, ये तो हमको नहीं दे रहा है। लेकिन क्रेडिट फैसिलिटी उन्हीं को मिलेगा जो रेगुलर विजिट करेंगे और जो पुराने बायर्स होंगे। दिस enables the later to increase their level of consumption। आप देखोगे कि अगर रिटेलर्स क्रेडिट फैसिलिटी देता है या देना स्टार्ट करता है तो इससे क्या होगा कि जितने भी कंज्यूमर हैं वो परचेजिंग पावर या जो परचेजिंग है वो उसको बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो इस तरीके से एक रिटेलर का प्रोडक्ट सेल आउट होना ज़्यादा होने लगेगा। पहले वो अगर क्रेडिट फैसिलिटी नहीं दे रहा था तो कैश पेमेंट हो रहा था, आपने प्रोडक्ट परचेस किया आपने पेमेंट कर देना है। तो इस प्रकार जो थे वो बहुत सारे बायर्स ऐसे थे जिनके पास पैसा नहीं था तो वो किसी तरीके से मैनेज करके उसको कैश पेमेंट कर देते थे, लेकिन जब रिटेलर के द्वारा ही क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाया जा रहा है तो वो किसी और के पास क्यों जाएंगे और वो डायरेक्टली उस सेलर के पास आएंगे और एट द एंड ऑफ द मंथ वो सेलर के को भुगतान कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। तो इस तरीके से सेलर को भी फायदा हो रहा है कि उसका प्रोडक्ट सेल आउट हो रहा है और सेलर ये भी जान रहा है कि वो जो पर्टिकुलर बायर है वो इसी कॉलोनी का है या इसी रेसिडेंशियल एरिया का एक अच्छा बायर है तो वो हमेशा पेमेंट कर देगा। तो इस तरीके से उसका जो सेल है वो भी इंक्रीज कर जाएगा और जो उस एरिया में उसका रेपुटेशन है या गुडविल है वो भी और बढ़ जाएगा। ओके, द नेक्स्ट वी हैव पॉइंट नंबर 3, वाइड सेलेक्शन।
रिटेलर्स ऑफर डिफरेंट वैराइटीज ऑफ कमोडिटीज। रिटेलर्स जो होता है वो किसी वन लाइन प्रोडक्ट के साथ डील नहीं करता है। हम लोगों ने होलसेलर में पढ़ा था कि जो हमारा होलसेलर होता है वो वन लाइन प्रोडक्ट के साथ डील करता है और वो नंबर ऑफ रिटेलर्स को वो प्रोडक्ट सेल आउट करता है, लेकिन ये कंडीशन रिटेलर्स पर एप्लीकेबल नहीं होता है। रिटेलर्स जो होता है वो बहुत सारे कमोडिटीज़ या प्रोडक्ट को अपने स्टोर में अवेलेबल करता है, ओके? अपने स्टोर में वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करवाता है। डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के प्रोडक्ट हो सकते हैं, डिफरेंट क्वालिटी का प्रोडक्ट हो सकता है, डिफरेंट प्राइस का प्रोडक्ट हो सकता है, कंज्यूमर के लेवल्स ऑफ इनकम के हिसाब से प्रोडक्ट मंगवा सकता है। अगर हम एक ही प्रोडक्ट की बात करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के द्वारा बनाया जाता है, अलग अलग प्राइस में हमें वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो सकता है। अगर प्राइस ज़्यादा है तो क्वालिटी अच्छा होगा, प्राइस अगर कम है तो क्वालिटी थोड़ा सा कम अच्छा होगा। तो कहने का मतलब है कि जिस लेवल के कस्टमर्स होंगे प्रोडक्ट भी वैसे ही लेवल्स का अवेलेबल करवाएगा। अगर एक रेसिडेंशियल एरिया में मान लेते हैं कि सारे जो बायर्स हैं वो एक जैसे तो होते नहीं हैं, कोई 10,000 कमा रहा है तो कोई 50,000 कमा रहा है, इन्हीं में कोई ऐसा होगा जो 1,00,000 रुपये भी कमाएगा, तो आप देखोगे कि जितने भी बायर्स हैं उनका जो लेवल ऑफ इनकम है वो डिफरेंट है। तो रिटेलर क्या चाहेगा? रिटेलर यही चाहेगा कि इस एरिया में जितने भी लेवल्स ऑफ इनकम के कस्टमर्स अवेलेबल हैं मैं हर एक कस्टमर्स के नीड्स को पूरा करूं, और वो हमेशा जब भी परचेजिंग के लिए बाहर निकले, घर से बाहर निकले, वो हमेशा उसके ही स्टोर में विजिट करे। उससे क्या होगा कि उसका जो सेल है वो भी इंक्रीज करेगा, वो हर ब्रांड के प्रोडक्ट को अपने स्टोर में अवेलेबल कर रहा है, तो फ़ायदा किसको होगा? फ़ायदा रिटेलर्स को होगा, कंज्यूमर को भी हो रहा है कि उसे अपने इनकम के हिसाब से वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो रहा है। तो आप अगर रिटेलर के स्टोर में जाओगे तो वहाँ पर अलग अलग शेल्फ होते हैं और उन शेल्फ में वो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांडेड प्रोडक्ट को अवेलेबल करके रखता है, और कंज्यूमर के पास ऑप्शन होता है कि वो अपने लेवल जो 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 उसका लेवल ऑफ इनकम है वो उसी के हिसाब से वो प्रोडक्ट को ईजिली परचेस कर सकता है, ओके? यहाँ पर उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं होता है कि आप इस एरिया से बिलोंग करते हो तो आपको यही प्रोडक्ट परचेस करना है, ऐसा रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं होता है। सो डैट कंज्यूमर हैज़ एन अपॉर्चुनिटी, कंज्यूमर को क्या मिलेगा? कंज्यूमर के पास अपॉर्चुनिटी आएगा टू परचेस गुड्स ऑफ हिज च्वाइस, जो उसका च्वाइस है, जो वो चाहता है कि मुझे पर्टिकुलर यही प्रोडक्ट चाहिए, तो वो इजीली ले सकता है। मैंने बताया कि 10,000 कमाने वाले कस्टमर्स भी अवेलेबल हैं, 50,000 अर्न करने वाले भी कस्टमर अवेलेबल हैं, और एट द सेम प्लेस 1,00,000 अर्न करने वाले भी कस्टमर्स अवेलेबल हैं। तो रिटेलर जो है वो कभी नहीं चाहेगा कि कोई भी कंज्यूमर मेरे दुकान से खाली हाथ जाए, वो प्रोडक्ट लेकर के जाए जो वो लेने आया है। तो अपॉर्चुनिटी मिलता है नंबर ऑफ कंज्यूमर को, वो अपने हिसाब से अपने पसंद से उस प्रोडक्ट को चूज कर पाए। एक तो वो देखेगा कि उसका जो प्राइस है वो क्या है, रेट क्या है, उसके फीचर्स क्या है। फीचर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप फीचर्स की बात करोगे तो हम इसमें क्वालिटी इंक्लूड कर सकते हैं, प्राइस को इंक्लूड कर सकते हैं, वेट को इंक्लूड कर सकते हैं, ओके? तो इन सारी चीज़ों को वो ज़रूर देखेगा कि हमें अगर इतना दाम पे करना पड़ रहा है तो उसका क्वालिटी और वेट कितना है, मार्केट में क्या उस गुड्स के रिगार्डिंग रेटिंग किया गया है, क्या रैंक है उसका। तो बहुत सारी चीज़ें हैं एक प्रोडक्ट को लेकर के। सो कंज्यूमर के पास अपॉर्चुनिटी है, तो ये सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है? रिटेलर प्रोवाइड कर रहा है। रिटेलर नंबर ऑफ कंज्यूमर के पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल करवा रहा है, नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवा रहा है, जिसके तहत वो जो चाहता है वो उस प्रोडक्ट को ईजिली परचेस कर सकता है एक ही स्टोर से, एक ही दुकान से। उसे अलग अलग ब्रांडेड प्रोडक्ट के लिए अलग अलग दुकान में विजिट नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन।
रिटेलर जो है वो इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। द रिटेलर्स इन्फॉर्म द कंज्यूमर, रिटेलर कंज्यूमर्स को इन्फॉर्म करता है अबाउट द न्यू प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट के बारे में। तो नया प्रोडक्ट कौन बना रहा है? मैन्युफैक्चरर बना रहा है। मैन्युफैक्चरर कहाँ नया प्रोडक्ट बनाएगा? अपने वेयर हाउस में बनाएगा। तो क्या मैन्युफैक्चरर्स का अपना प्रोडक्शन हाउस कहाँ होगा? जहाँ उसका बिजनेस होगा, जहाँ पर उसका प्रोडक्शन हाउस होगा। तो प्रोडक्शन हाउस में मैन्युफैक्चरर बना रहा है, उसके बाद फिर वो प्रोडक्ट कहाँ जाता है? तो होलसेलर के पास जाता है। फिर होलसेलर किसे सेल आउट करता है? रिटेलर को सेल आउट करता है। तो होलसेलर से रिटेलर्स को सेल आउट करके फिर फाइनल कंजम्पशन के लिए कंज्यूमर के पास वो प्रोडक्ट जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है वो इस कंज्यूमर को क्या पता? ओके, तो यहाँ का इंफॉर्मेशन पहले होलसेलर के पास सप्लाई होगा, फिर होलसेलर उस इंफॉर्मेशन को सप्लाई कहाँ करेगा? नंबर ऑफ रिटेलर्स के पास। और नंबर ऑफ रिटेलर जो हैं वो अपनी लोकेलिटी में या अपने कंज्यूमर्स को या बायर्स को वो इंफॉर्मेशन सप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से क्या हो रहा है? इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन पास आउट हो रहा है नए प्रोडक्ट का। अब नए प्रोडक्ट के बारे में हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? तो नया प्रोडक्ट के उसके फीचर्स के बारे में बता सकते हैं, उसकी विशेषताएं, उनके मेरिट्स के बारे में बता सकते हैं। रिटेलर जो है वो किसी भी नए प्रोडक्ट की मेरिट्स के बारे में बताएगा, यानी वो कंज्यूमर को बताएगा कि अगर आपने इतना पैसा खर्च किया है तो आपको एटलीस्ट इतना सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अगर वो दूसरे प्रोडक्ट से कंपेयर करेगा तो वो ज़रूर बताएगा कि आप इतने पैसे में दूसरा प्रोडक्ट ले रहे थे, आपको इससे ज़्यादा अच्छा बेटर इसमें सेटिस्फैक्शन मिल सकता है। तो वो कुछ ना कुछ विशेषताएं बताएगा, मेरिट्स बताएगा, जिसके तहत जो नया प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर उसे परचेस करेगा। क्योंकि कंज्यूमर को अट्रैक्ट कौन कर रहा है? रिटेलर्स कर रहा है। रिटेलर जो उस पर्टिकुलर एरिया में अपने बिजनेस को रन कर रहा है, अपने अच्छे बिहेवियर से एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल उसके पास है, जिसके ज़रिए वो नंबर ऑफ़ बायर्स को अट्रैक्ट कर लेता है। और नंबर ऑफ़ बायर जो है वो उस पर फेथ करते हैं, वो जानते हैं कि अगर ये रिटेलर ये प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, इस नए प्रोडक्ट के बारे में अगर वो बता रहा है, तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट अच्छा होगा। तभी तो ये हमें बता रहा है, क्योंकि वो लंबे समय से पर्टिकुलर एरिया में अपने बिजनेस को रन कर रहा है और नंबर ऑफ़ कस्टमर्स के नीड्स को पूरा कर रहा है। उसने एक अच्छा उस एरिया में अपना गुडविल बना लिया, उसका एक अच्छा रेपुटेशन है, जिसके ज़रिए वो क्या कमा सकता है? प्रॉफिट कमा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, कन्वीनियंट लोकेशन। द कंज्यूमर्स कैन मेक परचेज ईजली फ्रॉम द रिटेलर्स बिकॉज देयर शॉप आर लोकेटेड इन लोकेलिटी अमंग कंज्यूमर्स। कन्वीनियंट लोकेशन होता है, जितने भी रिटेलर्स होते हैं उनका जो शॉप होता है वो उस एरिया में लोकेटेड होता है, वहाँ वो अपने शॉप को रन कर रहे होते हैं, जहाँ पर उन्हें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स ईजिली अवेलेबल हो जाए। अब एक तो फ़ायदा यहाँ पर रिटेलर को हो रहा है कि उसका जो सेल है वो इंक्रीज कर सकता है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स से। यहाँ पर दूसरा फ़ायदा तो कंज्यूमर को डेफिनेटली हो रहा है कि उसे किसी और एरिया में विजिट नहीं करना पड़ रहा है, उसका जो रेसिडेंशियल एरिया है उसी रेसिडेंशियल एरिया में एक रिटेलर एक अपना शॉप चला रहा है, जहाँ से वो अपने घर से बाहर निकला और उसके सामने रिटेलर का स्टोर है, वो उस स्टोर में जा कर के अपनी नीड्स को पूरा कर रहा है, वहाँ पे जाके वो उस प्रोडक्ट को परचेस कर ले रहा है जिसका उसके ज़रूरत है, जो रिक्वायरमेंट है। तो रिटेलर बिकॉज देयर शॉप आर लोकेटेड इन द लोकेलिटी अमंग कंज्यूमर, कंज्यूमर के लोकेलिटी में उसका स्टोर लोकेटेड होता है, तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है रिटेलर। लास्ट पॉइंट इज आफ्टर सेल सर्विस। रिटेलर जो है वो सेल के बाद भी सर्विस प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड ऑफर आफ्टर सेल सर्विस इन द फॉर्म ऑफ होम डिलीवरी। ओके, अब इस रेसिडेंशियल एरिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने रिटेलर का फ़ोन नंबर रख लिया है और वो फ़ोन करते हैं और रिटेलर जो है वो उन्हें घर पर वो प्रोडक्ट अवेलेबल करवा देता है।
तो ये सर्विस वो किसे प्रोवाइड कर रहा है, ये सर्विस वो कंज्यूमर को प्रोवाइड कर रहा है, यानी उन्होंने फ़ोन किया कि हमें इस पर ये एक प्रोडक्ट चाहिए, तो रिटेलर अपने शॉप में वो प्रोडक्ट को पैक करेगा, अपने रिप्रेजेंटेटिव या अपने एम्प्लॉय को वो पर्टिकुलर कस्टमर के पास सेंड करेगा, उसको वो होम घर पर क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, तो वो प्रोडक्ट उसे वो घर पर डिलीवर कर रहा है, तो ये फैसिलिटी भी वो उसे प्रोवाइड कर रहा है। उसे दुकान आना पड़ता, उसका टाइम कंज्यूम होता, फिर वो दुकान से वापस अपने घर जाता, तो यहाँ पर टाइम कंज्यूम हो रहा है और इस तरीके से रिटेलर का सेल भी इंक्रीज होता है। अगर वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है तो उससे उसको भी फ़ायदा होगा, उसका जो सेल है वो भी इंक्रीज करेगा। तो इस वीडियो में जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो सर्विसेज के बारे में, उन सर्विसेज के बारे में जो रिटेलर्स के द्वारा कंज्यूमर को प्रोवाइड की जाती हैं। नंबर वन, रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स। नंबर टू, प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी। नंबर थ्री, वाइड सेलेक्शन ऑप्शन मिलता है। नंबर थ्री, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होता है। नंबर फाइव, कन्वीनियंट लोकेशन। एंड द लास्ट, आफ्टर सेल सर्विस। नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का, दैट इज इंटरनल ट्रेड का, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।